बॉलीवुड आईना में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में खरीदी करोड़ों की जमीन, राम मंदिर के करीब बनाएंगे अपना नया घर। क्या डिटेल है, कहाँ खरीदी, कितने में खरीदी, हर डिटेल आपको बता रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अमिताभ बच्चन भी राम धुन में रमने को तैयार है। अयोध्या में करोड़ों का प्लॉट खरीदा है जहां वो अपना नया घर बनाने वाले हैं। ऐसा करने वाले वो पहले बॉलीवुड स्टार हैं। इस बात से अमिताभ बच्चन के फैंस काफी ज्यादा खुश हैं। अयोध्या को ग्लोबल स्पिरिचुअल कैपिटल के नाम से जाना जाने लगा है, जहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होस्ट करेगा। ऐसे में अयोध्या का विकास भी तेजी से हो रहा है। कई नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जा रहा है। हर ओर राम नाम का जाप हो रहा है। ऐसे में अमिताभ भी राम धुन में मगन होने को तैयार है। बिग बी ने अयोध्या के 7 स्टार प्रोजेक्ट द सरयू में एक प्लॉट खरीदा है, जो कि सरयू नदी के पास स्थित है। इसके कंस्ट्रक्शन का काम मुंबई बेस्ड डेवलपर द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा को दिया गया है। प्रोजेक्ट की ये लोकेशन श्री राम जन्मभूमि मंदिर से 15 मिनट की दूरी पर है। खबरों की माने तो अमिताभ ने 10,000 स्क्वायर फीट की जमीन खरीदी है। इसकी कीमत 14.5 करोड़ रुपए है। बिल्डर से बातचीत में एक्टर ने बताया कि वो अपना घर बनाना चाहते हैं। अमिताभ ने कहा, मैं अयोध्या में द सरयू के लिए द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के साथ इस यात्रा को शुरू करने के लिए उत्सुक हूँ। एक ऐसा शहर जो हमारे दिल में एक विशेष स्थान रखता है। अयोध्या की शाश्वत आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक समृद्धि ने भौगोलिक सीमाओं से परे एक भावनात्मक संबंध बनाया है। ये अयोध्या की आत्मा में एक हार्दिक यात्रा की शुरुआत है। वहाँ परंपरा और आधुनिकता मूल रूप से सह अस्तित्व में होकर एक भावनात्मक टेपेस्ट्री का निर्माण करती है, जो हमारे साथ गहराई से जुड़ती है। मैं वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी में अपना घर बनाने की आशा कर रहा हूँ। कंपनी के चेयरमैन ने भी इसे अपनी कंपनी के लिए माइलस्टोन बताया। उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं और अमिताभ बच्चन का द सरयू के पहले सिटीजन होने का वेलकम करते हैं, जो कि मंदिर से 15 मिनट की दूरी पर है। साथ ही अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी महज आधा घंटे के डिस्टेंस पे है। बता दें, 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अमिताभ बच्चन को भी इनवाइट किया गया है। साथ ही रजनीकांत, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, रामचरण, दीपिका चिखलिया, अरुण गोविल, सुनील लहरी, कंगना रनौत को भी निमंत्रण दिया गया है। तो ये था हमारा खास वीडियो। आपके लिए कैसा लगा हमें ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।